देश के तीन शहरों में हिंसा की खबरें आई, जमशेदपुर, रायपुर और सोनीपत में जमकर बवाल हुआ। झारखंड के जमशेदपुर में रामनवमी के झंडे के कथित अपमान को लेकर कल जमकर आगजनी और पथराव हुआ। सोनीपत के सांदल कला गांव में मस्जिद में कल रात 15 से 20 युवकों ने हमला कर माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। जबकि छत्तीसगढ़ के बमेतरा जिले में दो बच्चों के झगड़े ने दो समुदायों की हिंसा का रूप ले लिया, एक युवक की जान गई और विरोध में वीएचपी ने आज बंद का आह्वान किया है। शहरों का अपडेट दिखाने के लिए आपको सीधे ये तीन शहर लिए चलेंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं जमशेदपुर में क्या हुआ। जमशेदपुर में दो गुटों में जबरदस्त झड़प हुई, उपद्रवियों ने इलाके में तांडव किया, दुकान को आग के हवाले कर दिया। अब तक वहां तनाव है, हिंसा पर काबू पाने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। आज सुबह पुलिस ने वहां फ्लैग मार्च भी किया है। फिर अधर्म की आंच, अब दहका जमशेदपुर, मंदिर झंडा और मांस विवाद, पथराव में 6 पुलिसकर्मी घायल, उपद्रव के बाद धारा 144 लागू। जमशेदपुर में नाकाम रहा प्रशासन और आखिरकार दहक उठी अधर्म की आग। पहले मंदिर परिसर में मीटिंग पर हुआ पथराव, बाद में उपद्रवियों ने जलाई दुकानें। नाकाम रहा पुलिस का फ्लैग मार्च, पुलिस टीम पर भी हुआ पथराव, कई पुलिस कर्मी हुए घायल। दरअसल जमशेदपुर में रामनवमी के बाद से ही माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था, लेकिन शनिवार को इसने तब तूल पकड़ लिया जब शास्त्री नगर ब्लॉक के मंदिर में महावीरी झंडा उतारे जाने के दौरान बांस में मांस के टुकड़े मिले। सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा देकर माहौल को शांत करा दिया। लेकिन बीती रात जब उसी मंदिर परिसर में मंदिर के कमेटी के लोग बैठक कर रहे थे तो कुछ उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए और उनके बीच पथराव के साथ साथ हिंसक झड़प शुरू हो गई। उपद्रवियों ने इस दौरान कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया, कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस एक बार फिर मौके पर पहुंची, लेकिन इस बार उपद्रव शांत कराने में नाकाम रही। यहां तक कि उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर ही पथराव शुरू कर दिया। इस हिंसक झड़प के दौरान 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सिचुएशन अभी पीसफुल है, जो लोग भी इकट्ठा हुए थे सब लोगों को अपने अपने घर भेज दिया गया। आप देख रहे हैं पूरे इलाका में फोर्स तैनात कर दी गई है और पूरे इलाका में पुलिस गश्ती कर रही है, अभी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अशांत माहौल को देखते हुए मजिस्ट्रेट, क्यूआरटी, आरएएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। पूर्वी सिंहभूम की डीसी विजया जाथव ने लोगों से अमन बनाए रखने की अपील की है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सभी को ये अपील करना चाह रही हूँ कि कृपया शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार के अफवाहों पर विश्वास ना रखें, ना किसी भी प्रकार के अफवाह उत्पन्न करने वाले किसी मैसेजेस को फॉरवर्ड करें, ना राइट लिख के किसी को भेजें। प्रशासन फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में बता रहा है, लेकिन सवाल तो ये है कि जब हिंसा की पृष्ठभूमि पहले ही बन चुकी थी तो प्रशासन से चूक कैसे हुई। जमशेदपुर से अनुप सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। सीधे आपको जमशेदपुर लिए चलते हैं, जहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए, उस पर काबू में बनाए रखने के लिए यहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। माहौल शांत बना रहे ये कोशिश यहाँ पर इस फ्लैग मार्च की तरफ से हो रही है। तो उन गलियों में, उन जगहों पर जहाँ पर आशंका दिखती नजर आई, उन जगहों पर फ्लैग मार्च करके स्थिति को जांचते और परखते हुए इस वक्त टीम नजर आ रही है।
अब बात सोनीपत की। सोनीपत के गांव सांदल कला में देर रात रमजान की नमाज अदा कर रहे नमाजियों पर 15 से 20 हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। हमले में महिलाओं और बच्चों समेत करीब 15 लोग जख्मी होने की खबर है। वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल है। हिंसा का जायजा लेने के लिए पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही सोनीपत पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। इस हिंसा की को लेकर पुलिस ने 16 लोगों को हिरासत में लिया है। सतीश बालन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए पुलिस कमिश्नर हैं सोनीपत के। सर, सबसे पहले किस तरीके की कार्रवाई हो रही है इलाके में, अभी किस तरीके का माहौल है, क्या जानकारी दे पाएंगे? हाँ, ये रात की घटना थी 9:30 बजे की। तो बिना कोई प्रोवोकेशन कुछ 15-20 लड़कों ने ये जो मास्क है जहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे उसमें घुस गए। वहाँ पे जो लोग नमाज पढ़ रहे थे बच्चे महिला थे उनको मार पिटाई की है और 8 से 10 लोगों की इंजुरी हुई है, थोड़ी सी सीरियस से लाइट इंजुरी तक हुई है। और जैसे सूचना पुलिस को मिली है तुरंत ही पहुंचे, DGP तक पहुंचे, मैं भी सुबह पहुंचा हूं। और अभी तक 16 लोगों को हमने, जिन्होंने भी मार पिटाई करने के थे, ये 7-8 नाम दिए थे, हमने उनसे पूछताछ कर ली। तो 16 लोगों को हमने अभी राउंड अप कर लिया है, कुछ लोगों को गिरफ्तारी कर लिया है, कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है। और गांव में पुलिस बल तैनात है, अभी मैं विजिट करके जो भी जिनके ऊपर अटैक हो उनके परिवार वालों से बात करके आया और उनके पूरा विश्वास दिलाया हूँ। और पुलिस कार्रवाई से वो संतुष्ट है और जो भी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी मिले हैं वो देवर गिल्टी एंड अपोलोजेटिक, और उन्होंने उस समुदाय के लोगों को भी कॉन्फिडेंस दिया कि आगे ऐसे घटना नहीं घटने देंगे। सो अभी वहाँ पे शांत है लेकिन पुलिस बल तैनात है, जब तक 100% के लोग आगे सुरक्षित महसूस करेंगे तब तक वहाँ पे पुलिस बल रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। कमल जी, संधू हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। कमल जी, जिस तरीके से पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है, स्थिति पर नजर रखे जा रहे हैं, लेकिन ये भी अपने आप में चौंकाता है कि लोग हथियारों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और संख्या भी एक दो नहीं, 15 से 20 हथियारबंद लोग ऐसे पहुंचते हैं, हमला करते हैं, घायल करते हैं लोगों को। बिल्कुल हैरानी कर देने वाली बात है और काफी शॉकिंग है। 18 लोगों के ऊपर नामजद है ये FIR, जिसमें से जैसे ये बता रहे थे कि 16 लोगों को डिटेन किया गया है जिसमें से 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जाहिर सी बात है, जो हमने पुलिस से बात की है उन्होंने ये कहा कि कोई प्रोवोकेशन नहीं था, इस तरह नहीं था कि कोई माहौल काफी टेंस है और इस वजह से कोई कार्रवाई करने की जरूरत है। ये अचानक से माहौल बिल्डअप हुआ जहाँ पे ये लोग नमाज अदा कर रहे थे, उसी बीच ये सारे लोग हैं जो 15 से 20 लोग हैं वो उसी टाइम आ पड़े और दोनों के बीच में झड़प हुई जिसमें ज्यादातर लोग घायल हुए हैं। लेकिन एक और बात जो सामने आ रही है जो FIR में भी की गई है, जावेद नाम के जो व्यक्ति हैं जिसने FIR लिखाई है 9 बजे के करीब, उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी जब गांव वाले उस समय आए तो उन्होंने धमकाया कि अब आगे से नमाज यहाँ पे पढ़ी नहीं जाएगी। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं टेंशन का माहौल है। एहतियात के तौर पे पुलिस वहां पे लगाई गई है, लेकिन सोनीपत में ये पहली बार घटना नहीं है, इससे पहले भी हो चुकी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जिस तरह से सेंसिटिविटी को देखते हुए जिस तरह की ये कार्रवाई बढ़ रही है, और हमें बताया गया है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वैसे ही बहुत कम हैं, तो इस तरह की घटना पहले तो होनी नहीं चाहिए थी और दूसरी तरफ अब हुई है, तो सुलह की कोशिश भी की जा रही है और दूसरी तरफ से पुलिस का एक्शन चल रहा है जहां पे गिरफ्तारी और डिटेंशन दोनों ही चल रहा है। ठीक है कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ रहे आगे, छत्तीसगढ़ के बेमतरा जिले में भी 2 समुदायों के बीच बवाल हुआ। ये बताया जाता है कि बवाल की शुरुआत 2 बच्चों के झगड़े से हुई और इसमें समुदाय के लोग फूट पड़े। ऐसा हिंसक उपद्रव हुआ कि एक युवक की जान चली गई। BJP ने इसे लव जिहाद से जोड़ा तो VHP ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। बंद के दौरान सुबह सुबह बस में तोड़फोड़ की भी खबरें आई। नहीं चलेगी, नहीं
छत्तीसगढ़ में मुस्लिम आतंकवाद और रोहिंग्या मुसलमानों की जिस तरह से आतंक बढ़ रहा है उसी कारण से हमारा छत्तीसगढ़ अशांत हो चुका है। और भाई भुवनेश्वर साहू जिसकी निर्मम हत्या इन मानसिक जिहादियों मुसलमानों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है, आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को बंद का आह्वान किया है ताकि उनको भाई को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। बढ़े आगे। उधर यूपी में निकाय चुनावों की घोषणा के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है। ये बैठक 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी। इस मीटिंग में सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। तो निकाय चुनावों का ऐलान हो चुका है और इसके मद्देनजर ये बड़ी बैठक बताई जा रही है। सीएम आवास में ये बैठक होनी है शाम 5 बजे। इस मीटिंग में सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। दो चरणों में निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में आगे क्या रणनीति रहने वाली है बीजेपी की, बड़ी बैठक उसको लेकर सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे। आज शाम 5 बजे ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर निकाय चुनावों को देखते हुए की गई है। निकाय चुनाव के ऐलान के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार पर भरोसा कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में आखिरकार निकाय चुनाव का ऐलान हो ही गया। 4 मई और 11 मई को वोट पड़ेंगे। बीजेपी की क्या रहेगी स्ट्रेटजी, क्योंकि एक बार फिर बीजेपी के लिए एक बड़ा चुनाव होने जा रहा है। हमारे साथ हैं केशव मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, स्वागत है सर। चुनाव का ऐलान हो गया, अब ये चुनाव इस बार 17 सीटों पर नगर निगम के चुनाव है, मेयर चुने जाने हैं, क्या है आपका अंदाजा? 17 में से केवल 17 नगर निगम में कमल खिलेगा और भाजपा का मेयर बनेगा और पूरे बहुमत के साथ सदन भी हम लोग जीतेंगे। चुनाव का ऐलान हुआ है, उसका स्वागत भी है। और चुनाव के लिए हमारी तैयारी, जब विधानसभा चुनाव परिणाम मार्च 2022 में आए थे उसके बाद नगर निकाय की तैयारी और लोकसभा 2024 की तैयारी शुरू हो गई थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर मजबूती के साथ पहले से ही अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है और लगातार हम लोग अभियान में भी लगे हुए हैं। और मुझे तो पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार पूरे प्रदेश में बनने जा रही है। ट्रिपल इंजन की आप बात कर रहे हैं, पिछले बार बसपा ने 2 सीटें जीती थी बसपा, इस बार कौन है मुकाबले में? इस बार कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी तैयारी के साथ है, बहुत बड़े मुकाबले में है आप। देखिए, सपा तो बहुत मुझे कहीं नगरीय क्षेत्र में लड़ती हुई दिखाई नहीं देती। कुछ सीटों में हो सकता है हम लोगों को बसपा से लड़ना पड़े और 1-2 सीटें हो सकता है कि सपा से लड़ना पड़े, लेकिन चुनाव में 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा। लेकिन सर, विधानसभा चुनाव में तो इस बार समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया, आप लोगों को भी पता नहीं कितनी उम्मीद थी, लेकिन वो सरकार बनाने के बाद वो कह रहे थे 120 सीटों के आसपास वो लेकर के भी आगे गठबंधन के साथ, तो आप उनको हल्के में तो नहीं ले सकते? नहीं, जनता देखिएगा, अगर नगर निकाय चुनाव का जब परिणाम आएगा तो जनता उस भ्रम को तोड़ने का काम शुरू कर देगी। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। शिंदे के साथ उनके कैबिनेट के मंत्री भी वहां मौजूद थे। पूजा पाठ के बाद एकनाथ ने कहा, पूरी महाराष्ट्र सरकार राम मंदिर का दर्शन करने आई है, इससे कुछ लोगों को दर्द हुआ है, देश में कुछ लोगों को हिंदुत्व से समस्या है। दरअसल ये शिंदे का बिना नाम लिए उद्धव गुट और कांग्रेस पर हमला था। उन्होंने कहा कि राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, इसमें राजनीति नहीं है। दिन में पूजा पाठ के बाद शिंदे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस राजा राम के नगर अयोध्या पहुंचे तो कुछ यूं स्वागत हुआ। समर्थक पलक पावड़े बिछाए बैठे थे। आइए साहेब, आइए। जय श्री राम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने मंत्रियों के साथ में अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ में मंदिर के निर्माण को देखेंगे और इसके साथ ही साथ उनके स्वागत के लिए तमाम शिव सैनिक आज अयोध्या की नगरी में पहुंचे हैं। अयोध्या धार्मिक नगरी तो है ही,
मगर अयोध्या वो जगह है जो हिंदुस्तान की सियासी रगों में लहू बनकर बहती है। भारतीय राजनीति की धुरी है अयोध्या, इसीलिए सियासतदानों को रास आती है। शिंदे भी पहुंचे हैं, उन्होंने भगवान के दर्शन किए और बताया कि महाराष्ट्र की खुशहाली की प्रार्थना की है। महाराष्ट्र के ऊपर के सभी संकट अरिष्ट दूर हो जाए, महाराष्ट्र का किसान सुखी हो जाए, महाराष्ट्र की जनता सुखी हो जाए, महाराष्ट्र के जनता के जीवन में बदल हो जाए, सुख समृद्धि आनंद समाधान खुशी आ जाए, यही मांग है। बाकी क्या है, प्रभु रामचंद्र सब जानते हैं। मामला सिर्फ धार्मिक नहीं है, सियासी भी है, इसीलिए धर्म की आड़ में उन्होंने अपने सियासी तर्कश से तीर निकाला और उद्धव गुट वाली शिवसेना पर चला दिया। रामचंद्र जी का आशीर्वाद हमारे साथ ही है, इसलिए धनुष बाण भी हमें मिला है। 2024 का चुनाव सामने है, 24 में ही श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में मंदिर का मुद्दा अहम रहेगा, इसीलिए अयोध्या की जमीन से शिंदे ने भी हिंदुत्व कार्ड चला, बाला साहब के विचार याद दिलाए। बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। पहले ये भी कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे, वो तारीख नहीं बताएंगे। क्यों, इसके ऊपर आरोप था, आप समझते हो। लेकिन मोदी जी ने मंदिर भी बना दिया और तारीख भी बता दिया, तो झूठा कौन साबित हुआ। अब जब शिंदे ने उद्धव गुट वाली शिवसेना पर निशाना साधा तो उद्धव गुट भी कहां पीछे रहता। संजय राउत ने भी मोर्चा संभाला, कहा अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा तो शिवसेना की ही देन है। बीजेपी के लोग कभी हमारे साथ तो नहीं आए थे, शिवसेना के साथ। जब बाबरी का मुद्दा हो गया तो भाग गए थे हमको छोड़कर। शिंदे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए उन्होंने रघुनंदन से प्रार्थना की है, मगर संजय राउत कह रहे हैं कि श्री राम शिंदे को आशीर्वाद देंगे ही नहीं। काम चलेगा या नहीं इसके उत्तर में समय है, मगर इतना जरूर है कि शिंदे ने अयोध्या दौरा करके ये संदेश दे दिया कि उनकी वाली शिवसेना राम के नाम पर लोकसभा चुनाव में उतरेगी और पूरे दमखम के साथ उतरेगी। सीधी सी बात यह है कि शिंदे नहीं चाहते कि राम मंदिर का मुद्दा उद्धव गुट अपना कहकर भुना ले। अभिषेक मिश्रा, अयोध्या, आज तक।